पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जब पूरे देश की निगाहें ठहरी हुई थी, उस समय राजस्थान की अंजू पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगी थी और वो अपने परिवार से छिपकर अपने दोस्त और प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंच भी गई। इस बात की जानकारी तब मिली जब अपने पति को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अंजू ने बताया कि वो पाकिस्तान में है। इस मामले में अंजू के पति अरविंद ने बताया कि अंजू ने जयपुर जाने की बात कही थी, लेकिन वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गई इसकी जानकारी नहीं है। बता दें, अंजू और अरविंद के दो बच्चे भी हैं। इधर अंजू के प्रेमी और दोस्त नसरुल्ला का कहना है कि अंजू लीगल वीज़ा लेकर आई है। उसने ये भी कहा है कि अंजू के वीज़ा की अवधि पूरी होने के बाद यानी 20 अगस्त को पाकिस्तान से भारत आ जाएंगी। साथ ही नसरुल्ला ने अंजू से प्रेम संबंध होने के दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि अंजू से शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। बता दें, अंजू और नसरुल्ला की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक अंजू को केवल ऊपरी दीर जिले के लिए 30 दिन का वीजा मंजूर करने का फैसला लिया गया है। अंजू मूल रूप से यूपी की रहने वाली है। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था। अब वो राजस्थान के अलवर जिले में रह रही है। फिलहाल वो पाकिस्तान में अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान के दीर जिले में पहुंची हुई है। इधर अंजू ने बीते दिनों सोमवार को एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो पाकिस्तान में ठीक से हैं और जल्द ही भारत वापस लौटेंगी। अंजू ने ये भी कहा कि वो वैध वीजा लेकर पाकिस्तान आई हैं। अंजू ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मेरे बच्चे और परिवार को परेशान नहीं किया जाए। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। तो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ। लेकिन अब ये गुत्थी उलझती ही जा रही है। नसरुल्ला ने अंजू से प्रेम संबंध होने के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि अंजू से शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब मामला कहीं और ही रुख करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी चैनल के हवाले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें अंजू और नसरुल्ला पाकिस्तान के वीरबाला गांव की एक दरगाह में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने निकाह कर लिया है और अंजू ने इस्लाम भी अपना लिया है। इसके साथ ही अंजू ने अपना नाम भी बदल कर फातिमा रख लिया है। और आपको बता दें कि अंजू और नसरुल्ला ने एक प्री वेडिंग शूट भी करवाया है जिसका वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंजू के वीज़ा की अवधि पूरी होने के बाद यानी 20 अगस्त को पाकिस्तान से भारत आएंगी या सीमा हैदर की तरह वो भी वापस नहीं आने की जिद के साथ वहाँ की नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ेंगी।